हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नीट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है रोटेशन चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन को एक्सिस मानना है व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 J कैप न्यूटन, यानी 3 न्यूटन का फोर्स है और जे कैप यानी कि वाई डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज 2 K कैप मीटर, यानी 2 मीटर जो है पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और के कैप यानी कि जेड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो टॉर्क फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। अब यहां पर ये जो पोजिशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिलेटिव में दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि ओरिजिन के अबाउट टॉर्क पूछा गया है तो इसमें हम लोग ये जो आर है इसको हम लोग इस आर के जगह पर रख सकते हैं, जो पोजीशन वेक्टर है उसी को यहां पर आर रखा जाएगा और फोर्स दिया ही है, तो आर की वैल्यू है 2 K कैप क्रॉस फोर्स दिया गया है 3 J कैप, दोनों ही SI यूनिट में है, डिस्टेंस या पोजिशन वेक्टर मीटर में दिया गया है और फोर्स जो है वो न्यूटन में दिया गया है। तो ये देखेंगे आएगा 2 × 3 = 6 Nm जो है वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करें तो के कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे ये होता है -I कैप है ना, तो यहाँ पर -I कैप लिख सकते हैं। तो यहां से जो टॉर्क का वैल्यू आया वो आ गया -6I कैप, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और इसीलिए अपना जो आंसर है वो फोर्थ हो गया।